welcome back to my channel. Today we will see the ray diagrams of the mirrors of chapter your light. Okay, light chapter में आज हम ray diagrams की बात करेंगे. जो fixed ray diagrams हैं, अगर वो सीधी जा रही है तो वो कहाँ से pass करेगी, अगर वो ऐसे जा रही है तो वो कहाँ से pass करेगी. तो आज हम regarding rules देखेंगे कि ray diagrams जब भी जैसे भी pass करते हैं तो उसको हमेशा किस में से pass करवाना है. सो सबसे पहले हम मिरर्स की बात करते हैं. हमारे टू तरह के मिरर्स होते हैं, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर. सो आई विल ड्रॉ द डायग्राम हियर. दिस इज योर कनकेव मिरर विच इज लाइक दिस एंड दिस इज योर कन्वेक्स मिरर. ओके, दिस इज योर कनकेव मिरर एंड दिस इज योर कन्वेक्स मिरर. सो इसके रिगार्डिंग अब हम क्या देखने जा रहे हैं यहाँ पे, रूल्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ कनकेव मिरर. ओके, लेट्स ड्रॉ द पॉइंट्स एंड प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज ऑल्सो हियर योर प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, नाउ ड्रॉ द पॉइंट्स. दिस मीटिंग पॉइंट इज पोल. And between here there is a focus which is double, that is curvature. Okay, here again meeting point is pole, focus, curvature. Okay, so this is your ray diagram, this is your concave mirror and this is your convex mirror. I will write it down here, concave mirror, and this is convex mirror. Okay, now your first rule is, if the line is parallel to the principal axis passing through, okay, अगर एक ray है वो parallel है principal axis की और reflection के बाद वो कहाँ पे जाएगी, let's see. So this is your ray which is parallel to the principal axis. This is your principal axis. This line that I have drawn, this is your principal axis. And this is ray. So ray yahan pe ja rahi hai, hum kis taraf bhej rahe hai, is taraf. So we will put the arrow towards the forward. Okay, ab jaise agar ray parallel hai principal axis ke, to wo kahan se pass karegi? Principal focus. This is your first rule. This is your concave mirror. Now let's see in convex mirror. If the ray is parallel, यहां पे ray parallel है, अब यहां पे क्या होगा, ray वापस जाएगी, but हम वो क्या होगी, appears to meet at focus होगी. So here अब हम draw करते हैं focus point के पास as a dotted line. Okay, this will always pass through the curvature. ये curvature को ऐसे show किया हुआ, आपकी मर्जी ये draw करना ना करना, but the main point is when the ray is parallel to the principal axis, it will passes through the focus, either on the concave or either on the convex. Okay, यहाँ पे क्या होगा, हमारा angle of incidence और angle of reflection हमारा equal show होगा. इसी तरह जब यहाँ पे हम करते हैं तो यहां पे हमारा क्या होगा, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, लेट्स गो टू द सेकेंड रूल. नाउ योर सेकेंड रूल इज, जब रे ऑफ लाइट पास करती है फोकस में से, जब रे ऑफ लाइट पास करती है फोकस में से, तब वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के. लेट्स सी दिस पॉइंट. व्हेन द रे पासेस थ्रू द फोकस, यहां पे मीट करेगी मिरर पे और इट विल रिफ्लेक्ट बैक एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. जैसे जैसे हम लाइन ड्रॉ करेंगे वैसे वैसे हम एरो पुट करेंगे. हमने यहां पे फोकस पे मीट करवाया, एरो बनाया और देन इट विल पासेस बैक. एंड व्हाट इज दिस हियर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट वी विल राइट इट डाउन हियर.
अगेन हियर व्हाट इज दिस. अब जैसे ही वो फोकस में से पास करती है, अपीयर्स टू मीट एट फोकस, इट विल मूव टू द पैरेलल. ओके, इट विल गो टू द पैरेलल. Now again, you can draw the here angle of incidence, which is the angle to the angle of reflection, which is equal. Here you can draw like this, angle of incidence and angle of reflection here. Okay. Now your third rule. Let's move to the next. Now this is your third rule. Before going to the third rule, I will tell you that जो convex mirror है वो हमेशा diverge करता है. यह बात आपको याद रखनी है. This is your convex mirror जो ऐसे है, inward की तरफ है, और concave mirror जो कि outward की तरफ है, बाहर वाली side है. Okay, तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो convex mirror है always diverge करता है इसको. अभी हमने देखा भी था रॉ डायग्राम्स में. सो दिस इज योर थर्ड रूल. जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से रे लाइट पास करती है तो उसी में से बाउंसिंग बैक कर जाती है. दिस इज सेम रूल अप्लाइड फॉर बोथ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर. ओके, सो पुट हियर लाइक दिस, इट विल रिफ्लेक्टेड बैक. तो आपको दो एरोस शो करने हैं, फर्स्टली जाते वक्त और वापस उसी लाइन में आते वक्त. सेम हियर लाइक दिस, you will represent this in dotted line. वहीं से जहां से जाएगी वहीं से पास वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. सो लेट्स सी द फोर्थ रूल. दिस इज वेरी इजी रे डायग्राम्स. जो हमारा फोर्थ रूल है वो क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है. कैसे, लेट्स सी. वी विल ड्रॉ द डायग्राम हियर. नाउ सी हियर, इफ द रे डायग्राम, जो रे है, सॉरी इट्स अ रे, व्हेन रे आपकी पोल के ऊपर फॉल आउट करती है ना, तो वो क्या हो जाएगी, वहीं से पास आउट हो जाएगी लाइक दिस. अब हम यहां से गए थे इसलिए हमने एरो इस तरफ डाला, वापस जा रहे हैं तो इस तरफ एरो डालेंगे लाइक हियर. सो हियर हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दिस फॉलोज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. सेम हियर लाइक दिस, यू कैन ड्रॉ दिस, पोल से पास करेगी वापस बाउंसिंग बैक हो जाएगी. सो हियर angle of incidence, which is angle of reflection के equal है. Incidence यहाँ से हुई, जो यहाँ से पास हुई, और यहाँ पे reflection, angle of incidence, angle of reflection. So this is your fourth rule. Now let's move towards the lenses. Now let's go towards the lenses. So this is your convex lens and this is your concave lens. Here we will again draw the principal axis. ओके, ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज योर फोकस वन, दिस इज योर फोकस टू. ओके, अगेन हियर वी विल ड्रॉ एज एन ऑप्टिकल सेंटर फोकस वन एंड दिस इज योर फोकस नंबर टू. नाउ अगेन अप्लाई द सेम रूल. अगर आपकी लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो वो कहां से पास करेगी, फोकस. अब सबसे पहले हम यहां पे गए थे तो वी विल पुट टुवर्ड्स एरो लाइक दिस. अब हम यहां आ गए तो एरो इस तरफ. नाउ अगेन फॉर हियर दिस रूल, हम ऐसे गए, लाइन पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहां से पास करेगी, फोकस में से. पर यहां पे क्या होगा, वो अपीयर्स टू मीट करेगी. सो यहां पे हम क्या करेंगे, अपीयर्स टू मीट. ध्यान रखना ये आपकी सीधी होनी चाहिए. एक्चुअली आई हैव नो स्केलिंग हियर. ओके, नाउ अ सेकेंड रूल. Now this is your second rule. What is this? When the line ray passes through the focus. अगर आप ray focus में से pass कर रही है तो वो क्या हो जाएगी, parallel. अब हम इस तरफ गए तो हमने arrow इस तरफ डाला, अब हम यहाँ पे जाएंगे तो arrow इस तरफ. Now your concave lens, again same this rule. अब अगर line focus में से pass कर रही है ray, suppose here ray passes through the focus. Sorry, wait for 2 minutes. Yes, if the ray passes through the focus, it will be parallel like this. Okay, तो यहाँ पे appears to meet हो जाएगा, ये line ऐसे है. Okay, now third rule. Now if the ray passes through the optical center, it will reflect it back on the same path.
बोथ इन द कन्वेक्स लेंस एंड इन कनकेव लेंस. जैसे हमने मिरर्स में देखा था कि वहाँ पे क्या था, सेंटर ऑफ कर्मेचर में जैसे लाइन पास आउट हो रही थी वैसे रिफ्लेक्टेड बैक हो रही थी. अब यहाँ पे क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर में सेम होगा, ऑप्टिकल सेंटर में रे पास होगी उसी से रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी. इन द सेम एज अ कनकेव लेंस इट विल रिफ्लेक्टेड बैक एंड वी विल डू द एरो फर्स्ट लाइक दिस एंड दिस. ओके, सो दीज आर योर मेन रे डायग्राम्स दैट यू हैव टू डू एंड दीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर योर टर्म वन एग्जाम्स एंड दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. फर्स्टली दीज रे डायग्राम्स ऑफ रूल्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर दैट. ओके, बाय बाय. बिफोर दिस प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल.